हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कौन से जो 10,000 के अंदर मिल सकते हैं। सबसे पहले जो स्मार्टफोन आता है वो मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G8 पावर है। इस स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है जो 256 GB तक बढ़ा सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो 9,000 फोल्डेबल लाइन में आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन की मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले मिल जाती है। इस प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर सुपर रियर कैमरा देखने को मिलता है बैक साइड में, जिसमें आपको 16 MP +2 मेगापिक्सल का सुपर रियर आपको देखने मिलता है और 8 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। और यहाँ पर प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर मिलता है। अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो वो सैमसंग की तरफ से है। अगर आपको सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो अभी स्मार्टफोन को ले सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M11 स्मार्टफोन की रैम स्टोरेज की बात करिए 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है। इसके प्राइस की बात करिए 10,999 में आपको मिल जाएगा। स्मार्टफोन की मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो आप 6.4 इंच की HD+ इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 13+5+2 का आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी का फीड की बात करूँ तो आपको 5000 mAh की बैटरी का फीड मिलती है और 15 W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिलता है। अगर आप घर के स्मार्टफोन की बात करूँ तो Infinix Shot 9 Pro है। अगर आपको कोई Infinix स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप परचेज कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 4 GB रैम 64 GB की स्टोरेज मिलती है जो आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। अगर इस स्मार्टफोन की मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 10,000 के अंदर आपको फ्लिपकार्ट मिल जाए 10,000 के अंदर आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। अगर मैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 6.6 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको फोर रियर कैमरा देखने को मिलता है बैक साइड में, जहाँ पर 48+2+2+ लो लाइट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है और आपको क्वाड रियर फ्लैश भी मिलता है और आपको 8 MP का पंचुअल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जहाँ पर 10 W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और आपको यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो LG की तरफ से निकल कर रहता है LG V30 Pro। इस स्मार्टफोन में हमको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है जो आपको 10,000 के अंदर मिल जाएगी। अगर मैं इसकी रैम स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है जिसको आप 512 GB तक बढ़ा सकते हो। इसका बेस वेरिएंट आप 10,000 के अंदर ले सकते हो। अगर मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 6.21 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 13+13+8+5 का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर 16 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है जो 18 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और आपको स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। अगर आप अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से निकल गया है, सैमसंग M10S। इस स्मार्टफोन की बात करूँ सबसे पहले इस स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है और 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। अगर मैं इस स्मार्टफोन की रैम स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसके प्राइस 9,000 रुपीज़ है, जिसको आप 512 GB तक HD कार्ड के थ्रू बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 6.4 इंच की HD+ सुपर एमोलेड आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है जो 13+5 MP का आपको बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलता है। और मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आप यहाँ पर 8 MP का सेल्फी कैमरा सैमसंग गैलेक्सी M10S में आपको देखने को मिलता है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 18 W के फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करती है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप 7 Octa-Core 7 8 4 TB का आपको यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस टॉपिक को मैं वीडियो लेकर आऊँगा। मैं अगली वीडियो में नॉन चाइनीज़ पोर्ट 15,000 के अंदर कौन से वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।